देवके मुख से किरी दिव्य ध्वनि अनक्षरी गणधर ग्रहण कर द्वादशांगी ग्रंथ में रचना करी। इन अंग पूरब की ही रचना रूप सरस्वती मात है, इनकी करूं मैं अर्चना ये शास्त्र में विख्यात है। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग वही सरस्वती देवी अत्र अवतर अवतर संभवषटावाननम अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम स्थापनम। जैन साधु चित्त संपवित्र नीर ले लिया स्वर्ण भृंग में भरा पवित्र भाव मैं किया। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै जलम निर्वपामिति स्वाहा। केसरादि को घिसाय स्वर्ण पात्र में भरी ताप पाप शांति हेतु पूजऊं इसी घरी। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। चंद्र रश्मि के समान दौत स्वच्छ शाली है पुंज को चढ़ावते मिले गुणों की माल है। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। मोगरा गुलाब चंप केत की चुनायके स्वात्म सौख्य प्राप्त हो या पुष्प को चढ़ावते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। लड्डुकादि व्यंजन से थाल को वरायके ज्ञान देवता समीप भक्ति से चढ़ाय के। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अनन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती दिव्यै नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दीप में कपूर ज्वाल आरती उतारहूं ज्ञान पूर जैन भारती हृदय में धार हूँ। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अनन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूपले दशांग अग्नि पात्र में ही खेवते कर्म भस्म हो उड़े सुगंध को बिखेरते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सेव संतरानार द्राक्ष थाल में वरे मोक्ष सौख्य हेतु शास्त्र के समीप ले धरे। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै फलम निर्वपामिति स्वाहा। वारी गंधशाली पुष्प चर सुदीप धूपले सत्फलों समेत अर्घ्य से जजेषु यस मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अनन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग में सरस्वती देव्यै अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण भृंग नाल से सुशांति धार देय के विश्व शांति हो तुरंत इष्ट सौख्य देय के। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। शांतय शांति धारा गंध से समत्स दिक सुगंध कर रहे सदा
पुष्प को समर्पित न दुख व्याधि हो कदा। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। दिव्य पुष्पांजलि जाप कीजिएगा। ओम रीम अरनमुख कमल विनिर्गत द्वादशांग मा द्वादशांगाय नमः। ओम रीम अरनमुख कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः। ओम रीम अरनमुख कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः। द्वादशांग हे वांग में श्रुत ज्ञानामृत सिंधु, गाओ तुम जय मालिका तरो शीघ्र भव सिंधु। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि जो अनक्षरी कीर्ति है, जय जय जिन वाणी श्रोताओं को सब भाषा में मिलती है। जय जय अठरह महाभाषाएं लघु सात शतक भाषाएं हैं, फिर भी संख्या तो भाषा में सब समझे जिन महिमाए हैं। जिन दिव्य ध्वनि को सुन करके गण दर गूंथे द्वादश अंग में, बारहवें अंग के पांच वेद चौथे में चौदह पूर्व भणे। पद 112 कोटि 83 लाख 58 सहस पांच में, इनका वंदन करता हूँ मेरा श्रुत में हो पूर्णांक। एक पद 1634 कोटि और 83 लाख तथा है 7888 अक्षर जिन शास्त्र कथा। इतने अक्षर का एक पद, तब सब अक्षर के जितने पद हैं उनमें से शेष बचे अक्षर वह अंग बाह्य श्रुत नाम लहे। जो 8,00,08,100,175 14 प्रकीर्ण में अंग बाह्य के इतने ही माने अक्षर। यह शब्द रूप और ग्रंथ रूप सब द्रव्य श्रुत कहलाता है, जो ज्ञान रूप है आत्मा में वह कहा भाव श्रुत जाता है। जिनको केवल ज्ञानी जाने पर्वच से नहीं कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ सुअनंतानंत जो तीन भुवन में रहते हैं। उनसे भी अनंत विभाग प्रमित वचनों से वर्णित हो पदार्थ, उन प्रज्ञापनीय से भी अनंत विभाग कथित श्रुत में पदार्थ। फिर भी अश्रुत सब द्वादशांग सरसो समय इसका आजंश, उनमें से भी लव मात्र ज्ञान हो जावे तो भी जन्म धन्य। यह जिन आगम की भक्ति ही निज पर का भान कराती है, यह भक्ति ही श्रुत ज्ञान पूर्ण कर श्रुत केवल बनाती है। श्रुत ज्ञान व केवल ज्ञान वह ज्ञान अपेक्षा है सदृश कह, श्रुत ज्ञान परोक्ष लखे सब कुछ बस केवल ज्ञान प्रत्यक्ष लहे। अंतर इतना ही तुम जानो इसलिए जिनागम आराधो, स्वाध्याय मनन चिंतन करके निज आत्म सुधारस को चाखो। इस ढाई द्वीप में कर्म भूमि 170 जिन वर होते, उन सब की ध्वनि जिन आगम है इससे जन अगमल को धोते। जिन वच पूजा जिन पूजा सम यह केवल ज्ञान प्रदाता है, नित पूजू ध्याओ गुण गाओ यह भव्यों को सुखदाता है। है नाम भारती सरस्वती शारदा हंस वाहिनी तथा विदुषी वागीश्वरी और कुमारी
ब्रह्मचारिणी सर्वमता विद्वान जगन माता कहते ब्राह्मणी व ब्रह्माणी वरदा वाणी भाषा श्रुत देवी गौ ये सोलह नाम सर्व सुखदा हे सरस्वती अमृत झरणी मेरा मन निर्मल शांत करो स्याद्वाद सुधारस वर्षा कर सबदा हरो मन तृप्त करो हे जिनवाणी माता मुझ अज्ञानी की नित रक्षा करिए दे केवल ज्ञान मती मुझको फिर भले उपेक्षा ही करिए भूत भविष्यत संप्रति त्रैकालिक जिन शास उनकी प्रतिकृति रूप में नमो सरस्वती माँ ओम रीम अरन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग मई सरस्वती देव्यै जय माला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि सब भाषा में सरस्वती जिन कन्या जिन वाणी ज्ञान ज्योति प्रगटित करो माता जग कल्याणी इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि जय बोलिए द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय जिनवाणी माता की जय बंधुओं ये सरस्वती माता जिनवाणी माता द्वादशांग में जिनवाणी माता की पूजा यहाँ पर संपन्न की जयमाला में बहुत ही सुंदर भाव पिरोए गए हैं कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान है तो इसलिए स्वाध्याय की महत्ता स्वयमेव प्रकट हो जाती है कि वो ज्ञान मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है उसके अंदर जो चिंतन है मनन है वो सब श्रुत ज्ञान का एक स्वरूप है तो इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करके निरंतर हम अपने श्रुत ज्ञान को परिपुष्ट करें यही भावना हमको शुद्ध पंचमी के अवसर पर और शारदा पक्ष के अवसर पर भावना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे अंदर वो श्रुत ज्ञान प्रकट हो क्योंकि वो श्रुत ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान बनेगा और उसमें केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है श्रुत ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है जिस प्रकार की सम्यक दर्शन के विषय में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन जो है जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है वो शायिक सम्यक दर्शन की भांति ही होता है केवल इतना ही अंतर है कि वो सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के पश्चात समाप्त हो जाता है और केवल ज्ञान हमेशा जो शायिक सम्यक दर्शन है वो हमेशा बना रहता है जो शायोपशमिक सम्यक दर्शन है उसमें तो सम्यक प्रकृति के उदय से चल मलिन और अगाढ़ दोष भी हो जाते हैं परंतु प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में क्योंकि मिथ्यात्व के जो परमाणु है वो उदय में नहीं आ रहे हैं उस समय इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी विपरीत नहीं रहती है और उसके अंदर वही वेदन होता है जो शायिक सम्यक दृष्टि को होता है तो इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद को आचार्यों ने हमको बताया है निरंतर हमको श्रुत ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए तब एक बार पहले मंत्र जाप करते हैं पुनः लक्ष्मी माता जी का अर्घ यहाँ पर समर्पित करेंगे मंत्र जाप चालू कीजिएगा ओम रीम द्वादशांगमयी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा 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 ओम रीम द्वादशांगमयी
मयि सरस्वती देव्यै नमः ॐ ह्रीं द्वादशाङ्ग 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 मयि सरस्वती देव्यै नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। जय बोली द्वादशाङ्ग मयि सरस्वती माता की जय। अब लक्ष्मी माता का अर्घ चढ़ाते हैं। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदनामती अब अर्घ थाल ले ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी देवी अत्र आगच्छ आगच्छिदं जला इदं जलादि अर्घ्यं ग्राण ग्राण स्वाहा। तो बंधुओं इस प्रकार से शारदा पक्ष के अवसर पर यहाँ पर सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की आराधना संपन्न हुई। सरस्वती माता कौन है? हाँ, आज के मंत्र बुलवा दीजिए। सरस्वती माता द्वादशांगमयी जिनवाणी माता हैं, जो भगवान की मुख से भगवान की दिव्य ध्वनि से द्वादशांग प्रकट हुए हैं, उन्हीं को सरस्वती माता के रूप में जैन शासन में माना जाता है। और केवल ज्ञान महालक्ष्मी, हमारे यहाँ लक्ष्मी कोई और नहीं है, केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी वही जो है हमारी आराध्या हैं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयत्न किया जाता है, चाहे श्रावक हों चाहे साधु हों, सबके द्वारा उस केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ही सारे प्रयास चल रहे हैं। तो इस प्रकार शारदा पक्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। अब आगे हम, चूँकि जैसा कि आप लोग कल से देख रहे हैं, यहाँ पर स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी का 75वां हीरक जन्म जयंती का समायोजन कल समारोह बहुत अच्छी प्रकार से महोत्सव पूर्वक संपन्न हुआ। श्रुत पंचमी के अवसर पर इन महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था और वो जन्म सार्थक हुआ। पूरा जीवन उन्होंने पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के आदेशानुसार शुद्ध के और तीर्थ के धर्म के विकास में अपने कण कण को लगा करके स्वयं को भी महान व्यक्तित्व बना लिया है। ऐसे श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी के प्रति सभी ने अपनी भावपूर्ण विनयांजलि अर्पित की। उसी क्रम में आज श्री विजेंद्र जैन के द्वारा भी, जो कि युवा परिषद के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा पूज्य माता जी के अनन्य भक्त रहे हैं, उन्होंने भी स्वामी जी के प्रति अपने विनय सुमन अर्पित किए। हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे महान पुरुष किस प्रकार से महानता को प्राप्त करते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके प्रति हमको देखना चाहिए कि कैसे साधारण व्यक्ति महान कैसे बनता है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर वो महान बन जाते हैं? तो पहली बात देखना चाहिए कि ऐसे रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी ने अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उसका सबसे बड़ा बिंदु है गुरु माता के चरणों में परिपूर्ण समर्पण। उस समर्पण के माध्यम से ही उन्होंने अपने आप को इतना एकाग्रचित होकर के हर कार्य में लगाया है कि जिसके माध्यम से आज उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। तो विजेंद्र जी का विनय सुमन हम सुनेंगे, उससे पूर्व परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा यहाँ पर मंत्र जाप इत्यादि एवं उनकी मंगलवाणी सुनने का सुअवसर हमको प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी, जो कि आज के समय की साक्षात सरस्वती स्वरूपा हमारे सामने विराजमान हैं, जिन्होंने पूरा जीवन जिनवाणी की आराधना की है, ऐसी परम पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी की मंगलवाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। आचार्यों ने कहा है
कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, अनंत अनंत पदार्थ हैं, अनंत अनंत जीव राशि, अनंत पुद्गल राशि, असंख्यातों धर्म द्रव्य असंख्य धर्म अधर्म द्रव्य आकाश और काल यह असंख्यात ही माने हैं। ये लोकाकाश तीन लोक का के आकार का जो लोकाकाश है उसमें ये छह द्रव्य समूह विद्यमान हैं। इस लोकाकाश के बाहर पांच द्रव्य नहीं है, मात्र आकाश ही आकाश है। ये बात ध्यान में रखना है कि लोकाकाश में तीन भाग कर दीजिए आप, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। पुरुषाकार जो लोकाकार है उसके बीचों बीच में तृष्णाली है और तृष्णाली में एक राजू चौड़ी, एक राजू मोटी ऐसी और 13 राजू ऊंची ऐसी तृष्णाली में नीचे तो अनंत अनंत निगोद प्राणी है, अनंत अनंत निगोद है नित्य निगोद। नित्य निगोद से हम और आप सब ध्यान में रखें, हम और आपकी मूल भूमि मूल स्थान नित्य निगोद ही है। नित्य निगोद से जीव निकलते हैं और संसार में आते हैं और संसार में आकर परिभ्रमण करके एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त करते हुए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और मनुष्य पर्याय देव पर्याय आदि प्राप्त करते चारों गतियों परिभ्रमण करते हुए कदाचित मनुष्य पर्याय से पुरुषार्थ करके अनुवृत्ति महावृत्ति बन करके और आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आचार्यों ने कहा है कि इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है। इस जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में विदेह क्षेत्र में आज भी वहाँ मोक्ष मार्ग चालू है और मोक्ष चालू है। तो हमेशा ध्यान में रखें, यहाँ मोक्ष नहीं तो मोक्ष मार्ग है और पंचम काल के अंत तक चलेगा, चतुर्वी संग रहेगा। आज ही मैं सुत्ता अवतार का स्वाध्याय कर रही थी, देख रही थी, तो उसमें प्रकरण आया कि भगवान शांतिनाथ से लेकर के और महावीर स्वामी तक उनके शासन काल में धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है और न होगा। बीच के कुछ तीर्थंकरों के काल में धर्म का विच्छेद हुआ है और ऋषभ देव से लेकर के ये धर्म अविच्छिन्न चला आ रहा है। धर्म यानी अहिंसा परमो धर्मः, जिसे कि वर्तमान में हम और आप जैन धर्म के नाम से जानते हैं। जैन धर्म की व्याख्या यही है कि कर्मारातीन जयति इति जिनः, जो कर्म सत्रों को जीत चुके वो जैन, जिन कर्म सत्रों को जीतने वाले जिन और उनके उपासक जैन, जिनस्य उपासकः जैनः, जिनके उपासक जैन कहलाते हैं। ये जैन कोई संप्रदाय नहीं है, वर्तमान में संप्रदाय रूप हो गया है और ये तो सनातन अनादि निधन शाश्वत धर्म है, सार्वभौम धर्म है। ध्यान रखें, विदेह क्षेत्र में हमेशा रहता ही रहता है। 160 तेरे जीव की रचना आप हस्तनापुर में देखें बनी हुई और सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ें त्रिलोकसार त्रिपणति में, तो आपको पता चलेगा 2.5 द्वीप तक मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर 2.5 द्वीप तक 170 कर्म भूमि है। 5 भरत क्षेत्र की, 5 विदेहों की, 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत की और 160 विदेह क्षेत्र हैं। जम्मूद्वीप में 32 विदेह हैं, धाती खंड में 64 विदेह हैं और पुष्करार द्वीप में 64। तो इस प्रकार से 160 विदेह क्षेत्र, उनमें हमेशा हमेशा कर्मभूमि ही रहती, चौथे काल के आदि का परिवर्तन ही रहता है, वहाँ षटकाल परिवर्तन नहीं है। भरत और ऐरावत में षटकाल परिवर्तन के निमित्त से युग के आदि में भगवान ऋषभ देव हुए जो अयोध्या में जन्मे और भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे। तीर्थंकर की परंपरा और उनकी दिव्य ध्वनि और उसका अंश आज विद्यमान है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार, मैंने कई बार आपको बताया, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 11 अंग 14 पुर नहीं है, उनका अंश अग्रायणी पुर का कुछ अंश
जो श्री धर्मसेनाचार्य का ज्ञान था, धर्मसेनाचार्य को ज्ञान था, उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पदंत भूतबलि को दिया और पुष्पदंत भूतबलि आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना करके और उसका विस्तार किया। परंपरागत आज जितने भी ग्रंथ हैं चारों अनियोगों के, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड, धवला, सिद्धांत ग्रंथ आदि और त्रिलोकसार, त्रिलोपनति, इन ग्रंथों का स्वाध्याय हमें अवश्य हमें और आपको करना ही चाहिए। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय के समान कोई तप न हुआ है न होगा। हमेशा ध्यान में रखें, स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आइए पूज्य माता जी की मंगल ध्वनि को सुनने के पश्चात अब गुरु भक्ति के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन की भांति सबसे पहले अर्घ चढ़ाते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ समर्पण है।